नमस्कार, कैबिनेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। बालू खनन और ओवरलोडिंग की मार चल रही है। ग्रामवासी ओवरलोडिंग के झमेले में सड़कें हो रही है, बर्बाद स्कूली बच्चों को मजबूरन कीचड़ में चलकर जाना पड़ता है स्कूल। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के सरीला तहसील का है, जहां पर ओवरलोड ट्रकों से खराब हो रहे हैं गांव के रास्ते। जलधारा से मोरंग निकाल कर ट्रकों में की जाती है लोडिंग, जिसका पानी ट्रकों से जाता हुआ गांव के सारे रास्ते में भरा रहता है। पानी जिसके कारण स्कूली बच्चों को जाने आने में आती है समस्याएं। प्राथमिक विद्यालय पर नन्हे मुन्ने बच्चे रोजाना उसी कीचड़ से पैदल निकलने को है मजबूर। सड़क को लेकर के कई बार प्रशासन से ग्रामीणों ने लगाई गुहार, लेकिन खानदानों से निकलने वाले ट्रकों की आवाजाही गांव से बंद करने में असमर्थ है प्रशासन। सरीला तहसील के भेड़ी जलालपुर मार्ग का मामला के वी न्यूज इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर परमेश्वरी दीन। सर, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? इस विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं सर कि ये देवी जी की मेन सड़क है जी, इसमें बहुत लंबी दिक्कत है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, बगल में स्कूल भी पड़ता है, बच्चे भी गिर जाते हैं, सल जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है रोड। और इस रास्ते के लिए सरकार कई लोगों से कहा गया, कई दफ़े एप्लीकेशन दी गई, लेकिन इसकी कोई कहीं सुना ही नहीं होती है। प्रधान से भी कहते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, कहते हैं पीडब्ल्यू में पड़ता है, हम क्या करें। इसमें सर बड़ी लंबी दिक्कत है। देवी जी का मेन हफ्ते में सोमवार लगता है, सोमवार दिन मार्केट लगती है। मार्केट में औरतें और लड़का बिटियां जाती हैं गाड़ी वाहन से या पैदल, तो वो भी सड़कों में सल जाते हैं, गिर जाते हैं, गिरते हुए सब जाते हैं। बड़ी दिक्कत है यहाँ, कोई सरकार कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं होती।